everyone, today we start our new chapter, chapter 3, Fundamental Rights and Duty. This is chapter 3 of Political, Social and Political Life for some children. Please open your book, page 239. I know that children, you have this board is shining because little dark outside, that's why I switch on the light. Okay, whatever I written, if I written anything on the blackboard, I write it this side, okay, this side. Don't worry about that. Now, let's start the topic, page 239, Fundamental Rights and Duty. Fundamental Rights, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, what is our fundamental rights, हमारे हक क्या क्या हैं जो हमें constitution ने दिए हैं. Okay, so let's start the topic, see the first para of your chapter. In the previous chapter, we study the aims and objective of the constitution of India. In this chapter, we will see how those aims and objectives have been released through the provision of the fundamental rights and fundamental duties. Aims and objectives आपने जो last chapter में पढ़े ही हैं, है ना? अब आगे के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसको introduce किया गया है, कैसे इस aims and objectives को realized करवाया गया है, okay? So, here our first topic, Fundamental Rights. Let's start the topic, children. Then you can understand what it is given on the first paragraph. See, the fundamental rights granted in the Constitution of India. Who can write the fundamental rights, children? Constitution of India. See, the fundamental rights granted in the Constitution of India draw inspiration from human rights. अब Constitution में जो भी rules and regulations लिखे हैं, है ना? किसके इंस्पिरेशन से लिखे गए हैं चिल्ड्रन? ह्यूमन बीइंग से, है ना? हमारी मांग के लिए ये सारी चीज़ें, ये लॉ एंड ये सारे लॉज लिखे गए हैं, ये सारे कानून लिखे गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखे गए हैं, ठीक है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं? हमारे लिए लिखे गए हैं, और हमें ही इंस्पिरेशन ले करके लिखा गया है, मतलब हमारे प्रॉफिट के लिए ही उन फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है. एज वी नो दैट ना, और किसके लिए लिखा जाएगा? प्लैनेट पर हम ही तो रहते हैं, तो हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए तो गवर्नमेंट सारे रूल्स बनाएगी जिससे हम कंफर्टेबल जी सके इस एरिया में, ओके, इस कंट्री में रह सके. सो ह्यूमन राइट्स रिफर टू द बेसिक राइट्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर एंटाइटल्ड टू इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्लास gender, religion and place of birth. See, fundamental rights, it give all, अभी जो fundamental rights है ये सबको मिले हैं, for all the citizen it can be, for all the citizen or not, ये से जो भी सारे fundamental rights हैं जो constitution में लिखे गए हैं वो किसके लिए? For human beings, for us, है ना? अब ये क्यों लिखे गए हैं कि कोई caste, religion, place of birth को लेकर कोई ह्यूमन बींग किसी ह्यूमन बींग को खुद से डिस्क्रिमिनेट ना कर सके. डिस्क्रिमिनेट मीन्स वॉट चिल्ड्रन? अलग ना समझे, ओके? जैसे कि मैं तो एक सिटी में पैदा हुई और आप तो एक विलेज में पैदा हुए, है ना? तो मैं तो, मेरा तो स्टैंडर्ड स्टेटस हाई है, आप विलेज में पैदा हुए तो आपका लो है, है ना? इस तरीके का चीज़ नहीं होना चाहिए. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे ताकि ऑल ह्यूमन बींग कैन गिव इक्वल राइट्स, ओके? हर ह्यूमन बींग को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल हक मिले इस इंडिया में जीने का. क्लियर चिल्ड्रन? कोई भी ये ना कहे कि तुम इस प्लेस पर हुए, तुम्हारी कास्ट ये है, तुम्हारा रिलीजन ये है, तुम्हारी प्लेस ऑफ बर्थ ये है, तुम लड़की हो, लाइक दैट. ये सारी बातों को लेकर कोई भी ह्यूमन बींग किसी भी ह्यूमन बींग को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. दैट्स वाई आवर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिटन फॉर ऑल ह्यूमन बींग. कोई ये नहीं बोलेगा कि हम रिच है तो हमारे लिए सारे लॉज है ना, तुम पुअर हो तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें सारा हक नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ओके? लॉ के आगे सब पर्सन इक्वल है, वेदर दे बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एंड वेदर यू आर बॉर्न टू एनी प्लेस. आप कहीं पर भी पैदा हुए उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है. आप अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यू कैन गिव ऑल फंडामेंटल राइट्स, ओके? आपको हर फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे, है ना? आपको दिए जाएंगे आपके हक. सो सी द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन.
अगेन आई रीड फ्रॉम द बैक साइड से स्टार्ट करते चिल्ड्रन. हियर ह्यूमन राइट्स रिफर टू ऑन द बेसिस राइट्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एंटाइटल्ड टू इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्लास जेंडर रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ह्यूमन राइट्स इंक्लूड राइट टू लाइफ. मीन्स ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन को हर ह्यूमन को हक मिला है कि राइट टू लाइफ, जीने का. अब जीने की क्या पॉसिबिलिटी होती सी, राइट टू लाइफ, एजुकेशन, पढ़ने लिखने का, है ना. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द कॉलेज ऑफ एनी ऑफ द सिटी ऑफ आर इंडिया तो यू कैन टेक. ओके, आपको हक है कि आप पर्टिकुलर सिटी में जा कर के वहाँ अपना एडमिशन करवा सकते हैं. एंड है दे आर बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, डिग्निटी एंड फेयरनेस. ओके, आप जिस भी कास्ट के हो, आपकी जो भी डिग्निटी है ना, आपकी क्या पहचान है ना, वो सारी चीज़ों को लेकर आपको कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. अगर आप इंडियन हो, इफ़ यू आर द सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, यू कैन गेट ऑल द अपॉर्चुनिटी वॉट एवर गिवन बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखी है वो सारी पॉसिबिलिटी, जो भी फंडामेंटल राइट्स है आपके, वो आपको मिलेंगे. क्लियर, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. सी द नेक्स्ट वन. ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल मीन्स वॉट, ब्रिटिश रूल. ओके, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ऑलमोस्ट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया वॉर डिनाइड देयर ह्यूमन राइट्स. दस वाइल फार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीडर टुक आउटमोस्ट केयर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन इन द फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. अब जब कॉलोनियल रूल था, जब किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मिले, किसी भी सिटीजन को उनका हक नहीं मिला चिल्ड्रन. ओके, बट हियर व्हाट इट इज रिटन, व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ऑफ इंडिया, द लीडर टुक ऑटमोस्ट केयर द प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट. जो हमारे लीडर्स ने, है ना, जो ग्रुप ऑफ लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, उन्हें हमारे हित को लेकर, मतलब हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा प्रॉफिट है, उसको ध्यान में रखकर ये सारे रूल्स और रेगुलेशन तैयार किए हैं. क्लियर. सो हियर ह्यूमन राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जब भी फंडामेंटल राइट्स बनाए गए तो हमारे ग्रुप ऑफ लीडर्स ने हमारे राइट्स को, हमारे प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल बनाए. क्लियर. सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स. सी द फर्स्ट पैरा हियर इन दिस टॉपिक. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट वन, प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स ऑल कास्ट, कि ओवरऑल डेवलपमेंट होने चाहिए. ओके, हर कास्ट को एजुकेशन ऑफ राइट, एम्प्लॉयमेंट का हक है. ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाकर कोई भी पर्सन वहाँ एडमिशन ले सकता है. तो इससे क्या होगा, हर कास्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. अगर हम किसी कास्ट को बोलेंगे कि तुम ये इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ सकते, तुम वो कास्ट के हो इसलिए, है ना, तो क्या वो कास्ट डेवलप कर पाएगी, क्या वो पढ़ लिख पाएगी, क्या वो आगे बढ़ पाएगी? नो, है ना. तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो किए जाए, हर किसी को इक्वल राइट्स मिले. सी द नेक्स्ट पॉइंट, सेफ गार्ड पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंक्ट, है ना. जैसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल किसी ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, है ना, कि भाई तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इस प्रॉपर्टी के हकदार नहीं बन सकते, तुम ये कास्ट के हो, है ना, तुम्हें ज़मीन नहीं मिल सकती, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते. तो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, हम किसी पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी कास्ट के ग्रुप ऑफ पर्सन को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, उनका हक नहीं दे रहे, खुद से अलग समझ रहे हैं.
तो सेफ गार्ड मतलब ये सारी चीज़ों से हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको बचाते हैं, है ना। जैसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को हमने ये कहा कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस कुएं का पानी नहीं पी सकते, इस रोड से जा नहीं सकते, इस मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, तो कोई क्या कर रहा है, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को तुमसे छीन रहा है, तो यू कैन गो टू कोर्ट, है ना, उसके खिलाफ तुम ओपनली कंप्लेन कर सकते हो, ओपनली तुम उसके खिलाफ कंप्लेन करवा सकते हो चिल्ड्रन, ओके। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स वाई तुम सिटीजन ऑफ इंडिया है, तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स कोई तुमसे नहीं छीन सकता। अगर कोई ऐसा है तो वो पनिशेबल है इन द आई ऑफ लॉ, उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर चिल्ड्रन, सीधा नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, चेक मीन्स यूज ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ आर्बिटरी एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। सी, चेक मिस यूज ऑफ पावर, अब देखो गवर्नमेंट के कोई पर्सन मिस यूज ऑफ पावर कर रहे हैं, कोई लीडर मान लो, है ना, मिस यूज ऑफ पावर कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वहाँ के रहने वालों को वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है, तो अपने पावर का वो मिस यूज कर रहा है। क्लियर, वो ये बोलता है कि उस जाति के लोगों को हम नहीं प्रोवाइड करेंगे कुछ भी, है ना, क्योंकि वो लो कास्ट के हैं, तो ये सोचना गलत है, है ना। अपनी वो हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है कौन, लीडर, तो उस लीडर को भी रोकने के लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और कोई उनको दूर हमसे नहीं कर सकता, कोई हमको उनसे छीन नहीं सकता, भले वो एक लीडर क्यों ना हो, वो भी पनिशेबल है इन द आई ऑफ लॉ। ओके, सीधा नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, एनफोर्सिएबल थ्रू लॉ एंड दस प्रोटेक्टेड बाय द जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब एनफोर्सेबल मीन्स जैसे पर्टिकुलर लॉ बनाया गया चिल्ड्रन, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ बनाया गया, तो उनको उसको एनफोर्स करवाना, एनफोर्स मतलब लागू करवाना, क्लियर चिल्ड्रन, उसको चालू करवाना कि भाई ये ऐसा ऐसा होगा, ये रूल्स रेगुलेशन ऐसा ऐसा होगा। जैसे आपके स्कूल में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, शॉर्ट पीरियड में आप जाते हो, पानी पीते हो, घूमते फिरते हो, लॉन्ग पीरियड में आपको लंच करने की परमिशन होती है, लाइक दैट, ऐसे कोई लॉस, तो एनफोर्सेबल थ्रू लॉ एंड दस प्रोटेक्टेड बाय द जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये क्या करती है, लॉ को लागू करवाना, लॉ को चालू करवाना, क्या हेल्पफुल करती है, प्रोटेक्ट बाय द जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री, है ना, जस्टिस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, यानी कोई भी क्राइम नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डाका नहीं डालेगा, कोई भी मर्डर नहीं करेगा। अगर हम ये लॉ लगाते, मान लो एज फॉर द एग्जाम्पल एक लॉ है कि अगर चोरी करेगा कोई तो उसको 2 साल की सज़ा होगी, एज फॉर द एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, है ना, तो ये अगर लॉ बना दिया गया और लोगों को मालूम है तो क्या कोई पर्सन चोरी करेगा, है ना, तो ये लॉ लागू हो गया है कि अगर किसी ने चोरी किया तो पकड़ो, डालो जेल में, उसको 2 साल की जेल होगी, है ना। तो ये सब अगर हमारे बातों में आ जाए, मतलब हमारे थिंकिंग में आ जाए कि ऐसे ऐसे रूल्स हैं कि भाई चोरी नहीं करना है, किसी का मर्डर नहीं करना है, किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करना है, नहीं तो इतने इतने ईयर की उसको सज़ा मिलेगी, तो क्या कोई क्राइम करेगा, नो, तो जस्टिस होगा ना, है ना, सबके लिए न्याय होगा, सब सेफली इस इंडिया में रह सकते हैं। अगर ऐसे लॉ बने नहीं होते तो चिल्ड्रन हो सकता है कोई भी पर्सन कभी भी चोरी कर सकता हो, है ना, कोई भी पर्सन किसी को भी हार्मफुल पहुंचा सकता हो, कोई भी पर्सन किसी की भी ज़मीन पर कब्जा कर सकता हो, किसी के भी घर में घुसकर उसको बाहर निकाल सकता हो, ऐसे लॉ बने हैं तभी तो हम अपने घर में सेफ हैं। थैंक्स फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थैंक्स करते हैं कि हम सेफली हम अपने घर में रहते हैं और कोई हमारा घर हमसे छीन नहीं सकता। क्लियर, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, ये हक हमारा कोई नहीं छीन सकता, तो सब लोग बोलोगे थैंक्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थैंक यू बोलते हैं जिसने हमें ये सारे राइट्स दिए कि अब हम अपने इस इंडिया में सेफली रह सकते हैं बिना डरे। क्लियर चिल्ड्रन, सीधा लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन ग्रांटिंग इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद द फ्रीडम टू ऑल सिटीजन टू अलाउ देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अगेन आई रिपीट द सेंटेंस, बेस्ड ऑन ग्रांटिंग इक्वल स्टेटस, सबका एक ही स्टेटस है इन द आई ऑफ लॉ, है ना, पुअर हो रिच हो या रिचेस्ट क्यों ना हो, है ना, सब कानून की नज़रों में सेम है, इक्वल है। क्लियर, एंड अपॉर्चुनिटी, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एजुकेशन की भी, हॉस्पिटल की, हेल्थ केयर की भी, है क्या, सारी ये सारी चीज़ें आपको हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
along with the freedom of all citizen. सारे citizen को अगर freedom मिला है तो आपको भी freedom मिलेगा. Clear? जैसे सबको मिलता है वैसे आपको भी मिलेगा. Okay? To all citizen, to allow them to realize their full potential. जो भी करना है full potential है ना, एकदम खुल के करना है. पढ़ना है तो बिंदास पढ़ना है ना, इधर उधर जाना है, घूमो फिरो, है ना, क्योंकि ये हमारा कंट्री है. जहाँ एजुकेशन पाना है वहाँ एजुकेशन पाओ, जहाँ अप्लाई करना है जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, वहाँ अप्लाई करो, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है. क्लियर? ऑल दीज पॉइंट्स, सो प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. प्लीज रीड आउट दीज टॉपिक्स चिल्ड्रन. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे चिल्ड्रन. अब तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू.